है कि हम पिंचन ही नहीं लेंगे। नौजवानों को खेल सरगर्मियों से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राइफल छांजर कैंप की जानिब से टनमर्ग में क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले दिन कुलहामा के ओपनिंग मैच में गनी वनी क्लब को शिकस्त देकर जीत के साथ अपनी मुहिम का आगाज किया। सराय टनमर्ग स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेले जा रहे टूर्नामेंट में नॉर्थ कश्मीर की 32 टीमें शिरकत कर रही हैं। इससे कबल 2RR के मेजर अनिल मिश्रा ने बैटिंग के बाद खिलाड़ियों से तारुफ हासिल करके टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर मकमी BDC मेंबर और सरपंच भी मौजूद थे। हमें इस टूर्नामेंट का मकसद यही है कि उनको वापस लाना है, किसी भी तरह वापस लाना है, इस देश को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है। और दूसरी बात, इस टूर्नामेंट से हमारे जो ये मेजर साहब अनिल सर है यहाँ पे, इनने ये टूर्नामेंट का इनकार किया है, इस वजह से किया है कि यहाँ का जो टैलेंट है इनको एक प्लेटफॉर्म मिले, ये बाहर दुनिया में भी इनका ये टैलेंट आगे दिखाया जाए और उनको भी मौका मिले आगे ए टीम्स में, बी टीम्स में खेलने के लिए, जो ये भी पार्टिसिपेट करें ताकि इंडियन जो हमारी क्रिकेट टीम है हमारा भी योगदान उसमें हो। मकसद तो यही है इस टूर्नामेंट का। और दूसरी बात ये सबसे इम्पोर्टेंट कि ड्रग्स फ्री हमें करना है, किसी भी तरफ कश्मीर को, पूरे हिंदुस्तान को ड्रग्स फ्री करना। ये 2RR ने टूर्नामेंट जो चालू किया है यहाँ पे छांजल कैंप की तरफ से, ये टूर्नामेंट हो रहा है और इसमें 32 टीमों ने हिस्सा लिया है और भी बहुत सारी टीमें, जो बड़े बड़े प्लेयर है, आज जो इनॉग्रेशन मैच देखा है अभी, ये अच्छे अच्छे प्लेयर इसमें आए हैं। और इस टूर्नामेंट से जो हमारा असली मकसद है, जो मेजर अनिल साहब ने जो बताया कि जो भी ये प्लेयर्स है, हम चाहते हैं कि सब लोग अच्छी तरह से क्रिकेट में लगे, सपोर्ट्स में लगे और इसमें जो ये ड्रग्स वगस वगैरह है, बाकी जो फजूली काम है, उससे लोग बचकर सपोर्ट्स की तरह लगे। ये हमारे 2RR OC साहब ने किया है और इसका चाहत यही रहे कि जो यहाँ के जवान लड़के हैं ये आगे तक पहुँच जाए। तो इसका जो रोल रहा इन जवानों के साथ, ये अपनी भाईचारा की तरह इनको चलाते हैं और इसका सोच हमें आज पहली दफ़ा इतना बढ़िया लगा है कि हम इससे बहुत प्रसन्न हैं और इसका हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार है कि ये चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो जाए और इन लड़कों को आगे होने की कुछ सहायता मिल जाए चाहिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट होना चाहिए।